चंद्रमा 5 नंबर में बैठा हुआ है तो आपका सिंह राशिफल बैठता है। तो आपकी कुंडली में शनि महाराज जो है 6वें और 7वें घर के मालिक होकर बैठते हैं और वर्तमान समय में ये आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, ठीक है, जिससे सिंह राशि के जातकों के लिए कंटक शनि की ढैया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो भैया 2025 आपके लिए 7.5 साथी की तरह ढैया का प्रभाव दिखाएगा। तो शनि इस साल आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता कह रहा है, क्योंकि ये समय किसी लंबी बीमारी के अचानक पनपने का हो सकता है। आपको छोटी से छोटी बीमारी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। किसी बड़ी बीमारी के चपेट में आप आ सकते हैं। इस दौरान आप अपना उधार चुकाने में कामयाब होंगे। अगर आपने कोई कर्जा लिया है, लोन लिया है, उसे आप दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पूरा प्रयास करेंगे कि जितना आपके ऊपर कर्जा है वह इस समय में चुक जाए। बीमारी से लड़ने के लिए आपके अंदर जज्बा पैदा दिखता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। आपको धन बहुत ज्यादा खर्च होगा इस साल, लेकिन खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी भी होगी। आपके ससुराल पक्ष के लोगों से आपकी मुलाकात बार बार होगी और कुछ विशेष मुद्दों पर उनसे चर्चा हो सकती है। देखिए, अष्टम भाव में विराजमान होकर शनि महाराज आपके 10वें भाव, द्वितीय भाव और 5वें भाव को देखेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप शांत रहकर और मेहनत करेंगे तो कार्य क्षेत्र में सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपका शनि इस साल रेट्रोग्रेड होगा जुलाई से नवंबर के बीच में, तो उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, योगा करें और माता भद्रकाली का जाप करें और हो सके तो शनि स्रोत का पाठ इस साल करना शुरू कर दीजिए। सावधान रह जाइए, ओवर कॉन्फिडेंस मत कीजिएगा, नहीं तो जॉकरी जा सकती है। सेहत से खिलवाड़ हो सकता है, सेहत आपकी डामाडोल हो सकती है, हॉस्पिटल के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं, ब्लड टेस्ट आपको करवाने पड़ सकते हैं। तो 4वें भाव में होकर शनि महाराज सीधे सीधे बता दूं 6वें भाव में, 10वें भाव में 1वें भाव को देखेंगे और इस गोचर के दौरान आपकी ढैया जो है, जिसे हम कहते हैं पनौती, ये शुरू हो जाएगी। परिवार से दूरी बढ़ सकती है, आपके हस्बैंड आपकी वाइफ से आपकी लड़ाई हो सकती है, घर बदलने के योग बन सकते हैं, आप अपने वर्क के लिए किसी दूर स्थान पर जाना पड़ सकता है, निवास करना पड़ सकता है, जॉब भी जा सकती है अगर स्विच करने की आप सोचेंगे। परिवार में स्टेबिलिटी और सामंजस्य की कमी के कारण आपको मानसिक असंतुलन फील होता हुआ नजर आएगा। आपकी मदर की पीड़ा हो सकती है, जिनकी ज्यादा एज है उनका यहाँ से आवागमन भी हो सकता है, इसलिए आपको उनकी बातों का उनका ध्यान देना होगा। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि शनि महाराज की 3री नज़र आपके 6वें भाव में पड़ रही है, तो अगर कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला आपके ऊपर अटका हुआ है उसको दूर करता हुआ नजर आ रहा है। काम के सिलसिले में, क्योंकि 6ठा घर जो होता है सर्विस का भी होता है, काम के सिलसिले में आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी बहुत ज्यादा। आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि 6ठा भाव एक्टिवेटेड है। तो यदि आप अनुशासन पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं तो ये गोचर आपके लिए शुभदायक हो सकता है। देखिए, ये पनौती जो है आपको 50% पनौती देगी, 50% आपको अच्छा फल देगी, लेकिन अच्छा फल तभी देगी जब आप मेहनत करेंगे। देखिए, बाकी आप प्लेलिस्ट सेक्शन देख सकते हैं, ट्रांजिट सभी, जुपिटर डबल ट्रांजिट, सैटर्न ट्रांजिट, हिंदी इंग्लिश सब कुछ वहां पे ऐड कर दिया गया है। मुझसे कांटेक्ट करना है तो देखिए ईमेल के थ्रू PC4JG लिखकर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, सारा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं हमारा, आपको रिप्लाई, आपको पेमेंट लिंक भेज दिया जाएगा, सही समय पर आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। 3 से 4 दिन लग जाते हैं और बहुत कम टाइम होता है, अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप ले रखें तो आपको सेम डे पर भी मिल जाता है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सवाल होते हैं, सभी को देखना होता है। तो धनु वालों, ध्यान रखिए कि शनि महाराज आपकी कुंडली में जुलाई से नवंबर के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे तंग कर सकते हैं। अपने चेस्ट कंजेशन पे ध्यान रखना है। अगर आप फीमेल हैं तो UTI की समस्या आपको हो सकती है। माता जी के स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। माता जी के लिए कष्टकारी ये गोचर हो सकता है और शनि महाराज अगर आपको तंग करें
क्योंकि ढैया है तो छाया दान तो जरूर कीजिए, काले तिल का दान कीजिए, सतनाजा का भी आपको ध्यान करना चाहिए, ये भी आपके लिए शुभकारी हो सकता है। आइए